सरकारी स्कूलों को लेकर समाज में एक माहौल है कि इन स्कूलों में पढ़ाई नहीं होती और सरकारी स्कूलों में गरीब तबके के बच्चे पढ़ते हैं। लेकिन मध्य प्रदेश के सागर के एक स्कूल से जो तस्वीरें आई हैं उसमें कुछ शिक्षकों ने जो किया है वो उन सरकारी स्कूलों और सरकारों के साथ प्रशासन को नसीहत है कि अगर स्कूल के प्रति शिक्षकों की सोच और शिक्षा देने की रुचि हो तो सब कुछ संभव है। कुछ शिक्षकों की मेहनत ने एक सरकारी स्कूल को अत्याधुनिक डिजिटल स्कूल बना डाला। हैरानी की बात यह है कि इसमें सरकार की कोई मदद नहीं। यह तस्वीरें जिले की सुर्खी संकुल केंद्र की हफ्सली प्राथमिक शाला की हैं, जहां आप देख सकते हैं कि स्कूल में बेहतर फर्नीचर, टीवी, वर्ल्ड मैप चार्ट, रंगीन दीवारें, यानी स्कूल पूरा पूरा डिजिटल है। स्कूल के प्रभारी पवन दुबे कहते हैं कि 5 साल पहले इस स्कूल की रंगत ऐसी न थी। स्कूल के सारे शिक्षकों ने अपने वेतन में से धीरे धीरे कुछ कुछ पैसे जोड़ना शुरू किए और हमने सबसे पहले बच्चों के लिए फर्नीचर, फिर दुनियादारी के साथ हर तरह की चीज़ों को समझने के लिए चार्ट स्कूल में लगाए, एक टीवी भी खरीदा, कुछ चीज़ों को समझने के लिए स्क्रीन का सहारा भी लिया। हमारे इस प्रयास में धीरे धीरे गांव वालों ने रुचि लेना शुरू कर दी। सारा यहाँ पर पूरी व्यवस्था से, फुल व्यवस्था से अच्छे स्कूल चला थे, फुल व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था और अच्छी तरह से बच्चों में पढ़ाओ थे, पूरी फुल व्यवस्था है ठीक है। सबसे बड़ी प्रेरणा हमारे शासकीय स्कूलों में गरीब और अभावग्रस्त बच्चे पढ़ते हैं, उनको देखकर हमें लगा कि जो सुविधाएं प्राइवेट स्कूलों में, बड़े बड़े स्कूलों में मोटी मोटी फीस लेकर मिलती है, तो हमें लगा कि हमारे गरीब और अभावग्रस्त बच्चों को वो सुविधाएं प्राप्त हो, इसलिए हम लोगों ने धीरे धीरे प्रयास किए और लगभग 4-5 सालों के लगातार प्रयास के बाद इस स्थिति में आया है। नहीं तो इन प्रयासों में आपको जो सामान मिला है तो इसमें किसी का सरकारी सहयोग रहा कि? सरकारी सहयोग इसमें नहीं रहा, इसमें पहले हम लोगों ने खुद अपने खर्चे से डिजिटल क्लास की स्थापना की, पहली दूसरी में फंड नहीं चल रहा है, फिर गाँव वालों ने भी उसमें सहयोग किया और कुछ नेताओं के सहयोग से 5 कक्षाओं में फर्नीचर की व्यवस्था संभव हो पाई। गरीबों को भी पढ़ने का अधिकार है, बस शिक्षक थोड़ा मेहनत और अपनी लगन दिखाए तो सब संभव है। फिलहाल सरकार का स्लोगन है कि स्कूल चले हम, लेकिन प्रदेश में स्कूल अव्यवस्थाओं के स्कूल हैं। हफ्सली प्राथमिक स्कूल ही इस प्रदेश के मॉडल स्कूल बन सकते हैं। इस स्कूल की तस्वीरें सरकार गौर से देखे, क्योंकि अगर शिक्षा के क्षेत्र में ऐसे स्कूलों की नज़ीरें सामने आएंगी तो मानकर चलना कि सरकारी स्कूल बेहतरी की ओर होंगे। ब्रजेश गौतम, सागर एक्सप्रेस न्यूज़ सुर्खी। न्यूज़ के वीडियो अगर आप YouTube पे देख रहे हैं तो उसे सब्सक्राइब कीजिए, और अगर यही वीडियो आप Facebook पे देख रहे हैं तो उन्हें लाइक कीजिए, और अगर आप कमेंट लिखना चाहते तो कमेंट भी लिखिए, और आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, यही हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। नमस्कार।